हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे लॉग एंड एंटी लॉग, जिसमें हम पिछले वाले वीडियो में लॉग वाला पार्ट कवर कर चुके थे। तो हम अब आज स्टार्ट करने वाले हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास होती है एंटी लॉग टेबल। तो एंटी लॉग टेबल मैं दिखा देती हूँ। तो ये है एंटी लॉग टेबल। जैसा कि लॉग टेबल में तीन कॉलम होते थे, वैसे ही एंटी लॉग टेबल में भी तीन कॉलम होते हैं, एक मैन, एक डिफरेंट, 0 से 9 तक डिफरेंट, और 1 से 9 तक मैन डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एंटी लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का अलग होता है और नेगेटिव वैल्यू का अलग होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग फॉर पॉजिटिव वैल्यू। सपोज़ के लिए हमारे पास है 2.8265। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट दिया है, जैसे 2, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए एंटी लॉग टेबल देखते हैं। जैसे इसमें पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को देखना है, तो समझते हैं 8265 ये मैन है। इसका मैन देखेंगे, इसका डिफरेंट डिफरेंस और इसका मीन डिफरेंस। ओके, तो चलिए एंटी लॉग टेबल में देखते हैं 82 का मैन, 6 डिफरेंट, पॉइंट 82, ये रहा पॉइंट 82। पॉइंट 82 का 6 डिफरेंट 6699 और मैन डिफरेंट 58। 6699 और मीन डिफरेंट है 8, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख देते हैं, 6707। अब ये पॉइंट से जो पहले इसका यूज़ नहीं किए हैं, अब इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने के लिए ये जो ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में जितना भी लिखा रहता है, जैसे 2 है, तो ये 1 प्लस करके दशमलव लगाते हैं, तो 2 में से 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 में प्लस 1 करते 4, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगता, तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 2.8265 का एंटी लॉग 6707 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम यह एंटी लॉग निकाले थे 3.0913। अब इसका एंटी लॉग देखते हैं क्या होता है। इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास इसका एंटी लॉग 1 2 3 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल जो पॉइंट के पहले जो अंक है, उसको अभी ध्यान नहीं देते हैं, पॉइंट के बाद वाले को पहले वैल्यू को फाइंड करते हैं। 0.0913, तो 0.09 मैन का, 1 डिफरेंट देखते हैं और 3 मीन डिफरेंट देखते हैं। पॉइंट 0.09, ठीक है, उसका 1 डिफरेंट और मीन डिफरेंट 3, तो 1 12 33 और 1, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 12 33 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 1 2 3 4। ओके,
अब यहाँ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। अब यहाँ 3 का यूज़ नहीं किया, अब इसका यूज़ करते हैं। 3 में पॉजिटिव है तो 1 प्लस करके ऐड करके पॉइंट लगा देते हैं। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 1, 2, 3, 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो फाइंड है एंटी लॉग 3.0913 का लॉग 1, 2, 3, 4। तो नेक्स्ट देखते हैं एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल एंटी लॉग -2.1202। तो सबसे पहले ये माइनस से फाइंड नहीं होता है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, -2 और 0.1202, ठीक है। तो अब इसको पॉजिटिव में लाने के लिए यहाँ -1 कर देते हैं और यहाँ +1 कर देते हैं, तो -3 और ये 0.8798। अब इसका एंटी लॉग देखते हैं, 0.87 मैन का, 9 डिफरेंट और 8 मीन डिफरेंस। पॉइंट एट्टी सेवन का 9 डिफरेंस, 75, 68 और डिफरेंट 8, 14। पचहत्तर 7, 5, 6, 8 एंड 14 मीन डिफरेंस। इसको ऐड कर देते हैं, 7, 5, 8, 2, ठीक है, 7, 5, 8, 2 इंटू 10 के पावर में, ये जो -3 था, -2 है उसमें -1 किए हैं तो -3 हुआ, 10 के पावर -3 लिख देंगे, ठीक है। और ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर इसका एंटी लॉग, ठीक है। अब इसकी जांच के लिए कि हमारी ये एंटी लॉग जो निकाले वो सही है या नहीं, उसके लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। सेवन पॉइंट फाइव एट टू इंटू 10 के पावर -3। इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास आना चाहिए ये -2.1202। तो चेक करते हैं, इसका लॉग देखते हैं, 7, 5। इस लॉग देखने के लिए पॉइंट के बाद वालों को नहीं देखते, ये शुरू से ही इसका देखते हैं, ठीक है। तो 75 का मेन 8 डिफरेंट और 2 मीन डिफरेंस देखेंगे, 75 का 8 डिफरेंट और 2 मीन डिफरेंट 1, 87, 97 8, 7, 9, 7 और डिफरेंट 1 ऐड कर देंगे, एट सेवन नाइन एट। तो लॉग में आपको पता ही होगा पॉइंट से पहले जितना भी अंक रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं, n-1। तो 1 है तो 1-1 0,
तो 0.0, ठीक है। और ये जो गुणा है इसको पहले लॉग में चेंज कर लेते हैं, तो लॉग 7.582 ये मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है, लॉग में चेंज होता है तो लॉग 10^-3। और इसका मान ये हो गया प्लस, ये जो -3 है ये सामने आ जाता है, ठीक। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 0.8798 प्लस माइनस माइनस 3, -3 में से 0.8798 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.2021.2, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, -2.1202, तो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देख लीजिए आपको ऊपर जो एंटी लॉग -2.1202 है, यही हमारा आंसर आ चुका है, तो ये हमारा आंसर सही है। आई होप आपको एंटी लॉग समझ आ गया होगा। बस आपको ध्यान रखना है एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।